दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। न्यू इंडिया के अमृत काल में न्यूज चैनल्स ने पहले भक्ति काल और फिर जहर वाले काल में जो जो किया है ना, वो हम कभी नहीं भुला सकते। लेकिन ऐसा लगता है कि चैनलों को इतना करने में भी ना मजा नहीं आ रहा, उनका जी नहीं भरा है। चैनलों के जहरीले एंकरों ने ठान ली है कि अपना नाम वो पत्रकारिता के इतिहास में काले अक्षरों से लिखवा कर ही मानेंगे। इसीलिए ये एंकर अब ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे इनके चैनल पर जुर्माना लग रहा है। जी, ये कतई मत सोचिएगा कि इसमें कोई एक चैनल बाजी मार गया है। न्यूज 18 से लेकर जी न्यूज और टाइम्स नाउ जैसे चैनलों का नाम इस लिस्ट में शुमार है। दोस्तों, टीआरपी में नंबर वन मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 के सबसे जहरीले एंकर अमन चोपड़ा के दो शोज पर जुर्माना लगा दिया गया है, एक पर 50,000 का और एक पर 25,000 का। ये जुर्माना लगाया है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये आई गई बात है। अमन चोपड़ा के इन कार्यक्रमों को चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए भी कहा है। आपको याद दिला दूं, ये वही अमन चोपड़ा है जिनके घर और दफ्तर तक पिछले साल, याद है ना, एक फेक न्यूज के मामले में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से अमन चोपड़ा अंडरग्राउंड हुए थे, ऑफेयर रहे थे कई दिन। उसके बाद उन्होंने सीधे कोर्ट से जाके स्टे लिया था, तब जाके मामला रफा दफा हुआ था। अमन चोपड़ा आजकल नफरती डिबेट में अपने ही चैनल के अमीर देवगन को पीछे छोड़ते हुए अच्छे अच्छों को कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। इसके अलावा NBDSA ने टाइम्स नाउ को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली फेक न्यूज हटाने और आगे ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है। और जी न्यूज को भी एक खबर को लेकर यह सफाई चलाने को कहा है कि उन्होंने प्रसारण मानकों का उल्लंघन किया है। जाहिर है बदनामी तो बड़ी है, लेकिन एक कतई मत सोचिएगा कि इससे इन चैनलों को इतना भी फर्क पड़ता है। ये सब तो आजकल ना चैनलों के लिए शाबाशी जैसा है। मतलब आखिर इसी से पता चलता है ना कि कौन कितना जहर परोस रहा है। दोस्तों, हमने आपको खबर दिखाई थी पिछले साल कि कुछ चैनल्स को बकायदा सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भी भेजा था कि आप फेक न्यूज मत फैलाइए, युद्ध की खबरों को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ती है। कुछ चैनलों ने तो युद्ध के नाम पर वीडियो गेम की वीडियो चला दी थी। यहां तक कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी चैनलों को फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म कहा, एंकरों को उनका काम याद दिलवाया, इन्हें तो तब भी फर्क नहीं पड़ा था। वैसे भी आजकल टीआरपी ने सारे चैनलों के संपादकों को शीर्षासन करवा रखा है। पिछले हफ्ते की ये टीआरपी लिस्ट देखिए आप, जिस चैनल के एंकर के शो पर जुर्माना लगा है न्यूज 18 इंडिया, वो टीआरपी में नंबर वन है और आज तक एक से खिसक कर सीधे आ गया नंबर चार पर। ऐसे उठापटक में संपादकों की एकमात्र उम्मीद ऐसे एंकर हैं जो खुलेआम एजेंडा फैलाते हैं और अपनी गोटी सेट रखते हैं। बदले में हर जाने में कुछ हजार खर्च करने पड़ जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। दोस्तों, पत्रकारिता के ऐसे जुर्माने वाले काल में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा टीवी में कोई एंकर प्रोग्राम करेगा और उस पर उसको जुर्माना झेलना पड़ेगा चैनल को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को ज्वाइन भी करिए और सब्सक्राइब भी।